सेट है ये, फोर डोर पूरा है। टू डोर इसमें अलमारी है, टू डोर का डिवाइडर होगा इसके अंदर। देखें जैसे इसका डिवाइडर बना हुआ ना भाई, देखें जी। डिवाइडर को स्लाइडिंग में देता नहीं, हमारे पास डिवाइडर भी स्लाइडिंग में होगा, कंफर्टेबल लेता है। इसका ये बेड है जी, इसके साथ भाई हमने सेट ही बनाई है जी, तो आप से बैठ भी सकते हैं, इसमें सामान रख सकते हैं। अच्छा मतलब इसमें इसमें स्टोरेज है इसमें, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, इसका लुक पता चल रहा है इसका जी भाई। ठीक, ये कितने तक का पड़ जाएगा भाई? ये सर आपके लिए पड़ जाएगा, आपके व्यूअर्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल 1.5 लाख रुपए। लेकिन ये मजीद 1 फीट एक्स्ट्रा अच्छा। बेहतरीन बेहतरीन सेटी खुलती है जी जी जी। बैठने अच्छा। के लिए वैसे आप चाहें तो अंदर सामान रख दो। अंदर हाउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या हाल हैं, खैरियत से हैं आप लोग जी नाजरीन? तलहा ब्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम तलहा है। आप सब चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को पसंद करा। तो नाजरीन मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेकर आया हूँ जहाँ पर फर्नीचर का काम होता है। यहाँ पर लैमिनेशन के फर्नीचर बनाए जाते हैं और यहाँ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटियाँ हैं। तो आइए यहाँ का विज़िट करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं कि वो यहाँ पर फर्नीचर कौन कौन से बनाते हैं और इनकी प्राइस क्या है। तो आइए यहाँ का विज़िट करें जी नाजरीन। ये यहाँ के दुकानदार हैं तो इनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तैमूर अहमद है। तैमूर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? अच्छा तैमूर भाई, सबसे पहले तो आप ये यहाँ की लोकेशन बताएं, क्योंकि हमारे नाजरीन को अक्सर ये शिकायत रहती है कि हम लोकेशन नहीं बताते। तो सबसे पहले तो आप यहाँ की लोकेशन बताएं आप। जी जी बिल्कुल भाई, ये गरीबाबाद चौरंगी कहलाती है, लियाकताबाद में दालू के 10 नंबर से आप आएंगे तो यहाँ पे गरीबाबाद चौरंगी पे फर्नीचर मार्केट है। किसी से पूछिएगा, बंधानी कॉलोनी पी एस ओ पंप है इसके साथ ही हमारी फर्नीचर मार्केट है। यहाँ पर बंधानी कॉलोनी में पी एस ओ पंप है इसके साथ ही फर्नीचर मार्केट, फर्नीचर मार्केट किस नाम से है भाई जान? ये भाई ये हमारी दुकान तो है शरीफ एंड अदनान फर्नीचर के नाम से जी, बाकी मार्केट का नाम यही कहलाता है गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट। गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट जी बिल्कुल। ठीक है ठीक। अच्छा तैमूर भाई, आप ये बताएं कि आपके पास माशाल्लाह से फर्नीचर मैंने अभी देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर हैं, तो आप हमें कौन से आप फर्नीचर दिखा रहे हैं जो आपके पास सबसे अच्छे और बेहतरीन हो? भाई हमारे पास देखें अभी टोटल जो है लसानी पे काम चल रहा है जी। पहले एक लसानी देखेंगे आप इस तरीके से, ये रखा हुआ फर्नीचर स्लाइडिंग सेट है, ये फोर डोर पूरा है, टू डोर इसमें अलमारी है, टू डोर का डिवाइडर होगा इसके अंदर। अब देखें जैसे इसका डिवाइडर बना हुआ ना भाई, देखें जी डिवाइडर को स्लाइडिंग में देता नहीं, हमारे पास डिवाइडर भी स्लाइडिंग में होगा इसका। अच्छा माशाल्लाह से डिवाइडर की मतलब लुक ही चेंज कर दी जी, जी, जी स्लाइडिंग में बनाया डिवाइडर भी, जगह का भी स्पेस का मसला नहीं होगा, अगर किसी का छोटा रूम है उसमें भी कम्फर्टेबल रहता है। इसका ये बेड है जी, इसके साथ भाई हमने सेट ही बनाई हुई है जी, इस पर आप बैठ भी सकते हैं, इसमें सामान रख सकते हैं हम। अच्छा मतलब इसमें इसमें स्टोरेज है इसमें? जी जी जी, बेहतरीन बेहतरीन सामान भी रख सकते हैं, बेहतरीन चीज बना दी अलमारी बनाई थी, देखें बस फुल गहराई वाली अलमारी है, चेक करें ये। अच्छा इसका साइज क्या है अलमारी का? 6x6.5 साइज अलमारी, 6x6.5 का साइज है। अच्छा ये इसकी जो गहराई है इसकी ये साढ़े, इसका साइज क्या है भाई? 24 इंची गहराई है, 24 इंची गहराई है, मतलब कि काफी स्पेस दिया आपने। एक्रेलिक का पूरा डोर है इसका जी, ये देखें पूरा हैंगिंग का दिया हुआ, नीचे दो तिजोरी के लिए इसके अंदर, बेहतरीन बेहतरीन आपने ये बेहतरीन जगह दी हुई है अपने। ये जरूरत नहीं है अगर बोल भाई, साइड टेबल की स्लाइडिंग दराज बनाई हुई है, इसके साथ एक नीचे बड़ी ड्रॉज है। अच्छा अच्छा मतलब दो इसमें दराजे बनाई हुई है। अच्छा ऊपर लैंप रखने की जगह भी आपने दी हुई है वगैरह भी रख सकते हैं, बाकी इसके साथ देखिए एलईडी लगाई हुई हमने जी जी, दोनों में एलईडी ऑन। अच्छा ये अक्सर आप फर्नीचर में जो है ये एलईडियां लग रही हैं खूबसूरती के लिए? काम चल रहा है भाई, एलईडी का काम है सारा। अच्छा जी। और ये देखिए हमारा बहुत प्यारा सेट है माशाल्लाह यार, ये तो यार वाकई बहुत जबरदस्त सेट है यार। ये तो देखिए हमने अलमारी बनाई थी भाई, टू डोर अलमारी है, टू डोर स्लाइडिंग है, टू डोर ओपन। अच्छा इसका भी वही साइज है स्लाइडिंग है, ये भी फिट नहीं हुई हमारी अलमारी, चेक करें आप। ठीक है ठीक। अच्छा मैं आपसे एक मिनट, मैं आपसे वो बात पूछना भूलेंगे कि वो जो आपने मुझे बेड दिखाया था उसकी प्राइस क्या है? तो
प्राइस हमारे मुख्तलिफ हैं। स्लाइडिंग सेट जो लेंगे वो भाई पड़ेगा आपको 1,40,000 रुपये का। 1,40,000 रुपये का, मतलब के ये उसका साइज क्या है? 6x6 फुल साइज का होगा, फुल साइज का होगा, 6x6 का। और कितनी चीजें उसके साथ? 4 पीस है इसकी। ड्रेसिंग टेबल भी दिखाएंगे आपको। ड्रेसिंग टेबल भी है और बेड है, डाइनिंग टेबल है, डिवाइडर है, ड्रेसिंग है, अलमारी, डिवाइडर और ड्रेसिंग, डिवाइडर और ड्रेसिंग, ठीक है। और यहाँ इसका अभी देखेंगे, अलमारी रखी हुई है, अभी 2-door स्लाइडिंग डिवाइडर है इसका ना, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल बहुत मिरर वाली है बट पीछे दबी हुई है, थोड़ा नजर नहीं आ रही। जी जी जी, बाकी इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि ये पीछे से भी खूबसूरत दिख रही है, ये इसका लुक पता चल रहा है इसका। जी भाई बिल्कुल ठीक। ये कितने तक का पड़ जाएगा भाई? ये सर आपके लिए पड़ जाएगा, आपके व्यूअर्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का, ठीक है ठीक है। आप ये भी 6x6 का साइज है, फुल साइज का बेडरूम। अच्छा, इसकी दराजों में स्पेस है? जी जी बिल्कुल है। दो दराजे हैं, ऊपर लैंप रख सकते हैं। और अच्छा, उसमें एलईडी लगाई भी है, एलईडी तीन की, मतलब तीन जगह लगा दी है, ठीक है। हैंडल्स वगैरह जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे लगता है। अच्छा, हैंडल बाद में लगाते हैं ताकि ये निशान वगैरह से ना लगे, इस पर स्क्रैच वगैरह ना आए। अच्छा, और कुछ भाई जन? ये देखें कि हमारे पास डीको में सेट रखा हुआ 7 फीट की अलमारी है, पूरी 4-door अलमारी दी गई है इसके साथ। 6 फीट की तो मैंने देखी थी, लेकिन ये मजीद 1 फीट एक्स्ट्रा हमने, जी 4-door बनाई हुई है। अच्छा, ये देखें इसका बेड, देखें माशाल्लाह सेटी वाला इसका बेड दिया हुआ, बेहतरीन बेहतरीन सेटी खुलती है। जी जी जी, बैठने के लिए वैसे आप चाहे तो अंदर सामान रख भी अंदर, मतलब स्पेस है, मतलब कि सामान की सामान के लिए स्पेस है। अच्छा, सीटी में स्पेस कितना है तकरीबन? नॉर्मल 10 इंच का होता है इसके अंदर, 10 इंच का होता है, इसका होता है, ठीक है ठीक है। और सर डिवाइडर है भाई, देखें ये आ गया डिवाइडर, आ गया दिया हुआ साथ में। जी, इसकी ड्रेसिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी हुई है, हमने 5 फीट की ड्रेसिंग बनाई है इसकी, ड्रेसिंग टेबल ये देखें, इसमें जो है अंदर सामान रखने की भी, आप ब्यूटी वगैरह का सामान सारा रख सकते हैं, मेकअप का। इसके अलावा इसमें एक ड्रॉज ये है, 2 इसमें कैबिनेट्स हैं, बाकी पूरी इसकी ड्रेसिंग है ये, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये डीको पे है ये? जी, ये डीको लसानी पर बना हुआ है, डीको लसानी पर बना हुआ। अच्छा, ये तकरीबन कितने पीस का सेट है ये? ये 4 पीस सेट है, ये भी 4 पीस का सेट है। और तकरीबन कितने तक का पड़ जाएगा ये? ये भाई आपके व्यूअर्स के लिए दे देंगे बिल्कुल 2,20,000 रुपये। 2,20,000 रुपये का, इसमें कोई मजीद गुंजाइश? बाकी कर लेंगे जो होगा उस वक्त, मतलब के हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा इसमें, ठीक है ठीक है। और इसके अलावा ये देखें हमारा माशाल्लाह मार्बल लुक तो बना हुआ है, बेहतरीन लुक बनाया हुआ है आपने। तो यार ये आप लोगों के ये दिमाग में कहाँ से है? ये हमारे अपने भाई कैटलॉग के डिजाइन होते सारे, ये देखिए। अच्छा, ये क्या साइज है? 6x6 फीट है पूरा, पूरा 6 फीट है। 6x कितने का? 6x6.5 ये बेड है, देखें मार्बल लुक, पूरा मार्बल लुक दिया हुआ है इस पे शीट पे। यार ये तो लग ही नहीं रहा कि लकड़ी है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्बल है ये तो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये भाई ये भी 6x6.5 और 4 पीस में, 4 पीस का सेट है। इधर भी ये सीटी दी हुई है, ठीक है ठीक है। और ये इसकी अलमारी है, ये इसका डिवाइडर है, ये डिवाइडर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो है कितने तक का पड़ जाएगा ये? सर ये फाइनल पड़ जाएगा 1:20 का, 1:20 का फाइनल पड़ जाएगा। मतलब इसमें कुछ मजीद गुंजाइश है? नहीं, इसमें मजीद गुंजाइश नहीं है। नहीं। मतलब ये कि अगर हमारे चैनल के रेफरेंस से कुछ आकर कोई आता है यहाँ पर, अगर आता है तो उसके लिए कुछ कर देंगे कंसेशन। अच्छा ठीक है। जी नाजरीन, ये वीडियो आपने देखी, माशाल्लाह से आपको मज़ा आया होगा। तो नाजरीन, हमारे चैनल तलहा व्लॉग ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।